कभी आज तो मुझे घर छोड़ दोगे? आज मुझे अकेले घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहूंगी। Oh, I'm so sorry, मालविका। मुझे अपने स्ट्रिंगर से मिलना है अभी। वो कल सुबह की फ्लाइट से श्रीलंका जा रहा है। इनफैक्ट मैं उससे मिलने के लिए एयरपोर्ट ही जा रहा हूँ, नहीं तो रास्ते में तुम्हें ड्रॉप कर देता। You know it? Of course, it's okay. Bye. Bye. Good night. Good night. नहीं साहब निकले। देखते हैं मिस कश्यप क्या बहाना बनाती हैं। हाय, चले घर? क्या हुआ, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, तू जा घर में, मैं घर नहीं जा रही आज। मुझे कहीं जाना है। मुझे एक्चुअली अपने स्ट्रिंगर से मिलना है। सेम। आई मीन ये टीनू ना, जो टीनू है। हाँ, टीनू से मिलना है मुझे। तो ठीक है, मैं भी जानता हूँ उसे, मैं भी चलता हूँ। वैसे भी मैं क्या करूंगा इतनी जल्दी घर जाके, है ना? चलो। नहीं, तू नहीं जा सकता। मुझे टीनू ने कहा है कि एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है और वो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, तो इसलिए कोई भी और नहीं आ सकता। पागल है, अब तो मैं तेरे को बिल्कुल अकेले नहीं जाने दे सकता। भाई डेंजरस कितना हो सकता है, और अगर तुझे कुछ हो गया तो मम्मी और भाई को क्या बोलूंगा मैं? तो मैं अकेले थोड़ी जा रही हूँ, मेरे साथ है ना वो टीनू, वो आदि बसली। आई डोंट ट्रस्ट हिम। देख, मैं तेरे साथ जा रहा हूँ, तू जा रहा हूँ। तू अकेले मिलना चाहती है ना उससे, मिल लियो, मैं दूर खड़े रहूंगा, ठीक है? क्या हुआ, तुम लोग निकल रहे हो? हाँ, मैं निकल रही हूँ। ये पता नहीं क्यों ऐसे जिद कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं हूँ मैं। अगर मैं मुंबई जाती तो तू आता मेरे पीछे पीछे, नहीं ना? आई टेक केयर, रिलैक्स, ओके? गुड नाइट, बाय। ठीक है, तुझे नहीं बताना मत बता। अब जब तक तू मुझे खुद नहीं बताती मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। मैं भी देखता हूं तू मुझसे कब तक छुपाती है। लो, आ गया तुम्हारा घर। बहुत जल्दी आ गया। वापस चलते हैं? तुम कहो तो वाया शाहतरा गाड़ी घुमा के लाते हैं। आप ये सब सिर्फ कह रहे, चाहते नहीं। चाहता हूँ इसीलिए कह रहा हूँ, बिलीव मी। बस मुझे घर भी पहुँचना है। एक्चुअली मेरा कोई घर पे इंतजार कर रहा है। अनुराग मेरा वेट कर रहा है। कौन है वो? तारिणी का भाई। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था अनन्या कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरा पास्ट, पूरा पास्ट अच्छी तरह से जान लो। हाँ, पर मैं नहीं चाहती, मतलब अभी नहीं। फिलहाल ये जो है, मैं इस पल को जीना चाहती, एंजॉय करना चाहती हूँ बिना किसी बीते हुए कल या आने वाले कल के कनेक्शन के साथ। As you say, गुड नाइट। कल मिलते हैं। आप पिक करें मुझे? नहीं, तुम्हें क्या लगता है? मेरे लिए आसान है तुमसे दूर जाना। मैंने सिर्फ तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि तुम्हारे साथ अपने अंदर के जज्बात को, अपने अंदर के असली कबीर को भी एक्सेप्ट किया। और अनन्या, मेरे लिए ये बिल्कुल आसान नहीं था। You are the best thing that could ever happen to me. I mean it. लेकिन इस सब के बाहर भी हमारी एक दुनिया है, हमारे करियर्स हैं, सब बैलेंस करना पड़ता है, नहीं? तो इसका मतलब आप मुझे अभी किस नहीं कर? किस तो मैं तुम्हें सारी दुनिया के सामने कर सकता हूँ। कहो तो अभी अनाउंसमेंट कर दूँ सारी दुनिया के सामने कि तुम मेरी हो। तुम्हारे घर के सामने खड़े हैं, कहो तो तुम्हारी माँ के सामने तुम्हें किस कर दूँ। चलो। नहीं, इट्स ओके। मेरी माँ को आप अकेला ही छोड़ दीजिए। क्या हुआ? डर गई? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ एक्सेप्ट नहीं करेगी? मतलब ओल्ड फैशन है ना, आपकी तरह। आपको समझाते समझाते इतने हफ्ते लग गए तो उन्हें तो, बट इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। सो गुड नाइट। गुड नाइट। रात तो बस यूं ही सुबह के इंतजार में कट जाएगी, लेकिन बहुत जल्द सवेरा तुम्हें देख कर ही होगा। बस अपनी नजरें यूं ही हमेशा मुझ पर रखना, ओके? पहुंची थी तो आराम से। हाँ? टेक्स्ट नहीं किया, हमेशा करती है। वो एक्चुअली भूल गई, पता नहीं कैसे। हाय रोनी। मॉर्निंग मिस कश्यप। सर। मिस कश्यप, आपको वो बंदा मिला जिससे आपका वो स्ट्रिंगर मिलाने वाला था? नहीं, मैं और टीनू गए थे वहां पर, वो बंदा आया ही नहीं। उसने कहा कि पुलिस प्रोटेक्शन है इसलिए वो आ नहीं सकता। ओह, मेरी लक्ष्मण के साथ में बहुत अच्छी मीटिंग रही। क्यों उम्र भारी ऐसे गुड मॉर्निंग कहते हैं? तो फिर कैसे बोलते हैं? प्यार से नहीं कह सकते। गुड मॉर्निंग लव, गुड मॉर्निंग शोना। यू आर क्रेजी। No? Good morning, Malvika. मालविका मैम, मैम प्लीज आके सुपर चेक कर लीजिए, थोड़ा सा अर्जेंट है, हमें ऑन जाना है। थैंक यू। त्रिशा, रोनी को शक है। ठीक है, मैं फॉलो करता हूँ। आपको पता है क्या हुआ? वो त्रिशा का मैसेज आया मुझे, वो कह रही है कि रोनी को हमारे बारे में शक हो गया है। तो तुमने अभी तक अपने बेस्ट फ्रेंड को कुछ नहीं बताया? रोनी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ, पर मैंने नहीं बताया क्योंकि आप ही ने तो कहा था किसी को नहीं बताना है। हाँ, और तुमने बहुत ध्यान रखा। जिस तरह से ऑफिस में तुम शर्माती घूमती रहती हो ना, मुझे नोट्स पास करती रहती हो, तुम्हें क्या लगता है इस ऑफिस में सब लोग बेवकूफ हैं, किसी को कोई शक नहीं होगा? अच्छा, और आप जो शर्माते हैं उसका क्या? जब मेरे आसपास होते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, आपका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है वो। लेकिन फिर भी अपने बेस्ट फ्रेंड से सारी बातें छिपाना मेरे हिसाब से बहुत बड़ा क्राइम है। इसका मतलब है कि कल तुम मुझसे भी बातें छिपाओगी? Really? ऐसा लगता है आपको? ऐसा सोचते हैं आप? You know what? मुझे बात ही नहीं करनी है। सुबह सुबह कबीर सर के कैबिन में क्या कर रही थी? नई स्टोरी पे काम चल रहा है। अरे वो टीनू की स्टोरी है ना, उस पे काम चल रहा है यार। लेकिन हमें बता कि वो स्टोरी है क्या? अचानक से इतनी सीक्रेटिव क्यों हो गई है तुम? कुछ छुपा रही है हमसे? मतलब तू तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे सिर्फ तू कबीर की टीम में और हम मानव की। सोनी मैं तुझसे कुछ बोल नहीं रही हूँ ना, तो तू ऐसे खुद से कुछ भी मत बोल। तू उस पे क्यों गुस्सा कर रही है? उसने ऐसा क्या बोला? सॉरी। पता नहीं क्या काम आ गया ऐसे। जब से मानव सर से ब्रेकअप हुआ है पागल ही हो गई। अंदर आना है या वही खड़े रहना है? आपने बुलाया इसीलिए आई हो ना? अच्छा अनन्या, क्या चल रहा है तुम्हारा? मतलब तुम यहाँ क्या करने आती हो? रिपोर्टर हो ना, तो मेरा मतलब ऑब्वियस है कि तुम यहाँ कोई स्टोरी पर काम कर रही हो या फिर कुछ और भी चल रहा है तुम्हारा यहाँ ऑफिस में। ये सवाल तो एडिटर इन चीफ पूछता है ना। ओह, तो तुम मुझे यहाँ के रूल्स बता रही हो या फिर आप क्या जानना चाहती हैं? जानना नहीं चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। इस चैनल के साथ तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, क्या तुम्हें उसके क्लॉजेस याद है? ऑब्वियसली नॉट। तो मैं तुम्हें क्लॉजेस याद दिला देती हूँ। क्लॉज 6A के अकॉर्डिंग यहाँ कोई भी एम्प्लॉय किसी और एम्प्लॉय के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अलावा कोई और रिलेशनशिप नहीं रख सकता। मतलब इस चैनल में किसी एम्प्लॉय के साथ पर्सनल रिलेशनशिप रखना अलाउड नहीं है। ये कंपनी का रूल है। ओके, इसका क्या मतलब है? रियली अनन्या, कॉन्फ्रेंस में किसी को लव लेटर देना या फिर ऑफिस डिनर पे किसी को स्पेशली खाना परोसना, ये सब क्या है? Isn't it obvious? व्यस्त तो मेरे हिसाब से वो है जो आपका और मानव सर का चल रहा था। वी कॉल इट एन अफेयर। सब जानते हैं, मतलब हम ये भी जानते हैं कि आप ओना की बेटी हैं, पर है तो एम्प्लॉय ही। तो ये क्लॉज 6A आप पर भी लागू होता है और मानव सर पर भी, नहीं? अच्छा, मतलब तुम ये एक्सेप्ट कर रही हो कि तुम्हारे और कबीर के बीच कुछ चल रहा है। ये मैंने कब कहा? अनन्या, मेरे साथ शब्दों का गेम मत खेलना। मैं कोई गेम नहीं खेल रही, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं खेल सकती हूँ। आता है मुझे ये गेम। और जो आप इल्ज़ाम लगा रही हैं उसे प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना, उस क्लॉज को लागू करने के लिए। अब ऐसे हाइपोथेसिस, जिसे हिंदी में परिकल्पना कहते हैं, उसके बेसिस पे तो कहानियां नहीं बुनी जा सकती। यू सी मालविका, मैं एक रिपोर्टर हूँ। मैं ना सॉलिड स्टोरीज करती हूँ, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड। अगर आप ऐसी स्टोरीज करना अफोर्ड कर सकती हैं तो ग्रेट। चला लीव। जिस दिन तुम्हारे खिलाफ मुझे सबूत मिल जाएगा अनन्या, you will be finished. धीरे मिस कश्यप, क्या बात है, आज बड़ा टकरा रही है? सब ठीक तो है ना? बड़ी स्ट्रेस लग रही है? रोनी को बताया नहीं? मैं सोचू पूरे ऑफिस को बता दूं एक साथ। वैसे भी सबको सिर्फ मेरी पर्सनल लाइफ में तो इंटरेस्ट है। वो मालविका ने मुझे ऊपर बुलाया धमकी देने के लिए कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेरा किसी के साथ में कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं हो सकता। सो फाइन, क्या करेगी, नौकरी से निकालेगी ना? निकाल दे मुझे, मैं जाने से पहले सबको बता दूंगी। क्या आपके और मेरे बारे में? और क्या, क्या कहा मालविका ने? मिर्ची लगी है ना उसे। जब तक मेरे और कबीर सर के बीच में टशन चल रहा था तब तक बड़ी खुश थी वो। अब जब सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो प्रॉब्लम हो रही है उसे। नॉर्मल मतलब नॉर्मल? देख वो, अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं मुंबई नहीं जा रही हूँ और कबीर सर तो मेरे बॉस रहने ही वाले हैं, तो मैंने सोचा कि ये टशन वशन खत्म कर देते हैं। इसलिए मैंने जाके ना उनसे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लिया है और अब हम लोग दोस्त हैं। मतलब वो जो दूसरे वाली फीलिंग थी तेरे अंदर कबीर सर के लिए, वो सॉर्ट आउट हो गई है? वो जो प्यार व्यार था उनके लिए वो खत्म? मतलब तू लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है, राइट? हाय। नहीं मतलब ऐसे प्यार वाली फीलिंग खत्म थोड़ी हो जाती है, वैसा नहीं है, पर मुझे समझ में आ गया है कि उसका कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए अब हम दोस्त बन गए हैं। मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने काम पे, अपनी लाइफ पे ही फोकस करूंगी अब। अच्छा, तो मालविका ने क्या बोला? वो क्या बोलेगी मुझे, उसे तो मैं दिखाती हूँ अब। पर कहा क्या मालविका ने? क्या करेगी अब? रॉनी, ब्रॉडली ये स्टोरी है, इसके सुपर रेडी कर लो और मालविका को इन्फॉर्म कर दो दैट वी आर गोइंग टू ब्रेक द न्यूज़ इन अ व्हाइल। जी। मिस कश्यप कहाँ? वो तो गई सर। कहाँ? पता नहीं सर, वो मालविका से मिलने गई है। सर एक मिनट रुको, मालविका के पास वो उससे कुछ बात करने गई है लेकिन। एक्सक्यूज मी सर, होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ गया है स्ट्रेट पर। हाँ तो रॉनी को दे दो, सुबह रेडी कर लेगा वो। और देखो अगर कोई फोन पे मिल जाए लाइव स्टेटमेंट के लिए। या ओके सर। ओके, गेट बैक टू वर्क। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मिस कश्यप, मुझे एक लिस्ट चाहिए पिछले एक साल में जितने भी हमारे देश में टेररिस्ट अटैक हुए हैं और कैजुअलिटीज हुई हैं उन सब की लिस्ट। ओके। तुम मालविका के पास क्या करने गई? तुम ऊपर क्या कर रही थी? ओह, क्यों? आप मुझे मिस कर रहे थे? लीव इट मिस कश्यप, मुझे लगा था कि तुम फिर कुछ नया। हाँ, आपको लग रहा था कि मैं मालविका की तरह वहां ऊपर खड़ी होकर अनाउंस करूंगी। प्लीज, मेरा अपना स्टाइल है। क्या अनाउंस करोगे? भाई जो मैंने कहा था, अब तो मैं मालविका के सामने ही आपसे कहूंगी कि आई लव यू और आपसे भी बुलवाऊंगी। जाने से पहले, ये इश्क का गुरूर है, नादानी मत समझिए। जब सर चढ़ता है तो इजहारे कफन ही ओढ़ता है। दुनिया की परवाह कहां रह जाती है जब दिल दिल से बोलता है। इजाजत। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.